स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा से एसआईटी ने आज मंगलवार को काफी देर तक पूछताछ की। हुआ यूं कि पीड़िता अपने भाई और सुरक्षा के लिए मिले गनर के साथ कोर्ट जा रही थी। जैसे ही जानकारी मिली कि छात्रा बिना अनुमति के घर से बाहर निकली है, एसआईटी ने बीच रास्ते में ही छात्रा को घेर लिया। एसआईटी ने छात्रा को खिरनी बाग चौराहा पर रोक लिया और उससे पूछताछ की। छात्रा ने बताया कि वह कोर्ट में हस्ताक्षर करने जा रही थी। इस पर एसआईटी ने उसके आसपास फोर्स तैनात कर दी और सुरक्षा घेरे में ही कोर्ट तक जाने को कहा। बताते चले कि स्वामी पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा पर रंगदारी मांगने का आरोप है। वहीं इधर सचिन और विक्रम को एसआईटी ने 95 घंटे के रिमांड पर लिया। एसआईटी ने तीसरे आरोपी संजय को भी रिमांड पर लिए जाने की अर्जी डाली। सूत्रों का कहना है कि रिमांड पर लिए जाने के बाद कई और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि स्वामी पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके 3 दोस्तों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। छात्रा और उसके 3 साथियों पर स्वामी चिन्मयानंद की ओर से रंगदारी वसूलने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से कथित पीड़िता और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ मोबाइल फोन के जरिए 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कथित तौर पर वह लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ रंगदारी को लेकर बातचीत करती देखी गई। इस मामले में लड़की के आरोपी दोस्तों संजय, विक्रम तथा सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं छात्रा के वकील अनुज त्रिवेदी का कहना है कि एसआईटी के छात्रा से बीच रास्ते में पूछताछ करते ही पूरे क्षेत्र में हल्ला उड़ गया कि छात्रा को एसआईटी ने हिरासत में लिया है, जो कि पूर्णतः गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गिरफ्तारी व हिरासत में लेने की अफवाह गलत उड़ाई गई है। अनुप त्रिवेदी ने बताया कि अग्रिम जमानत के लिए जिला जज के यहाँ याचिका डाली गई थी, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। जिला जज की अनुपस्थिति होने पर एडीजे फर्स्ट के यहाँ अग्रिम जमानत के लिए सुनवाई आज टल गई है, जिसकी सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी। बेल कोर्ट में फाइल की थी और उससे पहले जो भी क्राइम नंबर है 445 और 442 जो थाना कोतवाली पे दर्ज है और दलही पुलिस द्वारा जो एप्लीकेशन एसआईटी को दी गई थी, जिस पे अलग से क्राइम नंबर दर्ज न करते हुए और कोई तफ्तीश शुरू नहीं की गई थी और उस लड़की के वर्जन को नहीं रखा गया था, ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल पर बहस किया जाना संभव नहीं था। उस पे मैंने एप्लीकेशन मूव की थी। ऑनरेबल कोर्ट ने एट लेंथ आर्गूमेंट सुनने के बाद मेरी एप्लीकेशन अलाउड की और एंटीसिपेटरी प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट किया है कि वो अपना सारा रिकॉर्ड लेके आए और आर्गूमेंट के टाइम लेके न्यायालय में उपस्थित हो और 26 तारीख कोर्ट ने फर्दर हियरिंग के लिए फिक्स की है। मीडिया पे पता नहीं कहां से गलत न्यूज भी चल रही थी कि एसआईटी जो है उस समय से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लड़की को थी। लड़की न्यायालय में उपस्थित आई और उसकी गिरफ्तारी की मीडिया पे जो न्यूजें चल रही है कंप्लीट गलत न्यूजें हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तक हम पे किसी भी प्रोसेस के तहत ना नोटिस हम पे हुआ है और ना ही किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है। अब चूंकि मैटर बहुत सब जुडिस है और पार्ट ऑफ आर्गूमेंट है, एट दिस स्टेज नो मोर आर्गू आर कुछ भी नहीं मैं बता सकता हूँ इसके आगे आर्गूमेंट के विषय है, लिहाजा उसके बाद आप इसमें नो डिस्कशन। 26 तारीख जैसा कि आप बता रहे हैं, 26 तारीख को न्यायालय में किस तरह का 26 तारीख को रिकॉर्ड तलब करके दावा नहीं करेंगे। ऑलरेडी मेरी एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है और एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग होने की वजह से कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड एसआईटी सम्मन किया है, उसके बाद में हम आर्गूमेंट के लिए जाएंगे। आज की तारीख में 100% राहत मिली है और पीड़िता की दरखास्त मंजूर हुई है और ऑनरेबल कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए उसका सारा रिकॉर्ड, जबकि एसआईटी अधिवक्ता द्वारा व अन्य अधिवक्ता द्वारा उसको अपोज किया गया था और पूरी तरीके से लड़की की जीत है और उसके जो है सुनने का मौका दिया गया है। तो थैंक्स।